युवा छात्र महापंच किस चीज़ को लेकर क्या निष्कर्ष निकले आज? आज युवा महाछात्र की पंचायत करी थी पूरे देश की और प्रदेश की, और बड़ी शांतिपूर्वक पंचायत हुई। आप अपने सुझाव रखे हर युवाओं ने, और आज युवा में पे सब कुछ था, बोल चाल अध्यक्ष सब युवा थे। आप अपने सुझाव रखे, ये 5 सदस्यीय कमेटी बना के पहले हमने बिठा रखी थी, सबके सुझाव रखे हैं, लिखे नोट करे, और ये 5 सदस्यीय कमेटी उन सुझावों को छाँट के और संयुक्त किसान मोर्चा के शामिल रखेगी। उसमें कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे, और संयुक्त किसान उसका फैसला करेगा। आज यही फैसला होया है। जो प्रधान जी ने बताया, जो सुझाव थे, जितने भी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए, और उन सुझावों का हमने एक कॉन्क्लूड कर लिया कि उसमें कॉमन जो है, जो जरूरी थे, वो सुझाव सारे जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी यहाँ से लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा के पास जाएगी, और वहाँ पर जो है इनके ऊपर विचार विमर्श होगा। इसके ऊपर जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का होगा, उसी के तहत फिर आगे फैसला लिया जाएगा। चुनाव के बाद नहीं लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है एक राजनीतिक रूप की तरफ रुख कर चुका है? एलनाबाद चुनाव से आप किसान संयुक्त मोर्चा को इसको क्यों जोड़ रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। किसान मोर्चा के बड़े नेता ऐसा है, कहीं बंगाल में भी गए थे किसान संयुक्त मोर्चा के लोग, एक ही मुद्दा लेकर के गए थे कि हमें बीजेपी और उसके जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनको हमने हराना है, वोट किसी के लिए वोट नहीं मांगे। नहीं ऐसा है, देखो ये तो मीडिया का अपना है कि आप उसको इशू को क्या बना रहे हो, नहीं तो किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं, किसी ने नाम लिया किसी का, वहाँ पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस को आप रिपोर्ट दे दो वोट, लेकिन ये कहा था कि बीजेपी को हरा दो, और बीजेपी को जो कैंडिडेट हराता उसका सपोर्ट कर देना आप लोग। ये किसान संयुक्त मोर्चा का पहले से ही आदेश था कि हम इनको वोट की चोट से मारेंगे अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते तो। शोकन साहब, आज की महापंचायत, देखिए आज की महापंचायत का जो उद्देश्य था कि अनुशासन में रह के छात्रों और युवाओं की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर कैसे बढ़ाई जाए, और बुजुर्गों के साथ मिलके संयुक्त किसान मोर्चा के जो एजेंडे पास होते हैं उनको फॉलो करते हुए ये आंदोलन को कैसे मजबूत करें और कैसे इस आंदोलन को जीतने का काम करें, यही एजेंडा संयुक्त के आज की महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा पर आरोप लगाए गए हैं बार बार। ऐसी कोई बात नहीं है, सुझाव थे, सुझाव है, कोई आरोप नहीं है, वो हमारे लिए माननीय परमात्मा के बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मैं तो सवाल पूछ रहे हैं आज की महापंचायत क्या हो गया? अज की महापंचायत का मेन लक्ष्य है यूथ न गैल जोड़ना, संयुक्त मोर्चे के नाल यूथ इकट्ठा करके जोड़ना, तो यही अज का मेन महत्व से यूथ ता ही बुलाया गया, यूथ की ता ही गल रखी गई सी, यूथ इकट्ठा करके संयुक्त मोर्चे के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के काम करने की सहमति दी गई। खट्टर साहब मुद्दे बताएंगे आप, जिस मुद्दे के ऊपर आपकी आज चर्चा थी, मतलब किन मुद्दों के ऊपर युवा इकट्ठे हुए? मेन मुद्दा एक तो था यहाँ पर जो है, कई तो आपने भी सुना होगा सारे मीडिया वाले, यहीं तक एक सुझाव आया था कि टोल फ्री किसके लिए किया जाए, कोई झंडे की अहमियत हो, और जो है यहाँ पर किसको जो है टोल फ्री किया जाए और किसको ना किया जाए, एक तो एजेंडा ये था जो है किसान संयुक्त मोर्चा। फिर जो है दूसरा ये था कि जो किसान संयुक्त मोर्चा के जो आदेश हैं कि जैसे बंद वगैरह के लिए वो था, सबने ये अपने को कहा कि भाई अपनी मर्जी से लोग बंद ना लगाएं, अगर बंद भी लगाना है किसी कारण से, जो किसान संयुक्त मोर्चा कमेटियों को भी थोड़ा समय दे, चाहे टोल कमेटी में बैठे लोग हैं या किसान संगठन जितने भी हैं, उनको थोड़ा समय दे ताकि लोगों को पहले से आगाह कर दिया जाए कि भाई 23 तारीख को हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग सहयोग दें, एकदम से सडन कोई इस तरीके का कोई फैसला आता है उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श कर लें। किसान जो है दिल्ली में बैठे लगातार, अब सरकार के द्वारा बॉर्डर के रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है यहाँ की कमेटी को बॉर्डर खोलने से फायदा होगा या नुकसान होगा? पहली बात तो ये है कि किसान कभी भी जो है किसानों ने रोड को रोका ही नहीं था, रोड की बात नहीं कर रहा है, वही बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, कि बॉर्डर पर किसानों ने नहीं बॉर्डर को रोका था, किसान तो दिल्ली जाना चाह रही थी, लेकिन जिस दिन वहाँ पर जो है कूच करने गए तो वहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और किसानों को वहाँ रोक दिया। 26 जनवरी के बाद इन्होंने पक्के वहाँ पर बैरिकेड और जो है कीले वगैरह वो सब लगा दी जो है, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकल ना पाए। तो किसान संयुक्त मोर्चा ने पहले भी यही कहा था कि अगर दिल्ली के बॉर्डर खुल जाते हैं
उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा अगर ये फैसला लेता है हम दिल्ली में जाकर के अंदर जाके आंदोलन करेंगे तो हम उसके साथ हैं। अगर किसान संयुक्त मोर्चा ये कहता कि हम बॉर्डर पर रह करके ही वहाँ पर बैठ करके अपने आंदोलन को जारी रखेंगे तब भी हम किसान संयुक्त मोर्चा के साथ खड़े। आज यहाँ की पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं क्या मानते हैं कितनी जल्दी इन फैसलों पर विचार किया जाएगा? इसमें बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा क्योंकि 5 सदस्यीय कमेटी हमने पहले ही बना दी थी और ये हजारों लाखों युवा के हमने पहले पता था बस सुझाव आएंगे, ये 7 तारीख से पहले पहले फैसला लिया जाएगा। प्रधान जी अगर रास्ता खुला है मतलब बॉर्डर खुला है तो क्या आप जिस तरह पहले बात हुई थी हम संसद का घेराव करोगे तो क्या किसान उठ के संसद की ओर चलाएं अगर रास्ता खुला प्रशासन में? यही चीज़ मैं पहले भी कहा था किसान संयुक्त मोर्चा इसके ऊपर फैसला लेगा कि अगर जो है जरूरत हुई तो हम संसद कुछ भी करेंगे, जरूरत हुई हम रामलीला मैदान के अंदर जा कर के भी जो है वहाँ पर जो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसके लिए फैसला 6 तारीख को जो होने वाली मीटिंग है किसान संयुक्त मोर्चा की उसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि आगे की भविष्य की रणनीति क्या होगी। सर ये बताइए फैसला 6 तारीख को लिया जाएगा लेकिन रास्ते पहले खोले जा रहे, क्या कारण? ये जो है मैं पहले भी आपको ये कहा था कि हमने नहीं बंद किए थे रास्ते, किसान संयुक्त मोर्चा ने तो किए नहीं, हम अपनी तरफ से जो है तब अपने 6 तारीख को हमने वक्तव्य देंगे कि हम आगे ये रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अब ये कोर्ट के डर से अगर प्रशासन खोल रहा है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए, दिल्ली पुलिस ने जो है वो कंक्रीट के जो है वहाँ पर रखे गार्डर्स, आगे कीलें दिल्ली पुलिस ने लगवाई, आज दिल्ली पुलिस ही उनको हटा रही है, इसमें किसान संयुक्त मोर्चा का या किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसानों का कहना है कि षड्यंत्र पे षड्यंत्र सरकार रच रही है, आपको क्या अंदेशा कोई बड़ा षड्यंत्र भी इस आंदोलन को फैल करने के लिए सरकार रच रही है? अभी जिस दिन से ये आंदोलन चला है किसान सरकार तो षड्यंत्र रच ही रही है, अभी परसों भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर महिलाओं के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, हमें भी शायद ये लगता है कि ये भी किसी जो है कोई षड्यंत्र का हिस्सा ना हो, तो इस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए जो है हर तरीके के हथकंडे तो सरकार अपना ही रही है, लेकिन हम भी तैयार हैं, हमारा संगठन एकजुट है और सब ने एक सुर से यही आवाज़ दी कि पूरा हरियाणा के किसान किसान संयुक्त मोर्चा के जो है आह्वान के नीचे काम करेंगे और उसी के ऊपर जो आगे की उनकी जो आदेश होंगे उसी पे कार्रवाई होगी। प्रधान जी पिछले कई दिन तक मुद्दा चल रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की फसल खराब हुई, पूरे एरिया में खराब हुई गिरदोरी का, उसने लेकर SDM DC को बार बार ज्ञापन सौंपे, आपने ऑफिस का घेराव भी कराया, उसका जो कुछ परिणाम सामने आया मतलब पेटा भरा गिरदोरी हुई या नहीं? अफसरों ने ये कहा था कि हम गिरदोरी कराएंगे लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, अफसर क्या करें, अफसर तो अधिकारी अपनी ड्यूटी करेंगे, ज्ञापन देंगे उनको दे देंगे, फिर दूसरा ज्ञापन दे देंगे उनको दे देंगे, सरकार तो ऑर्डर नहीं दे रही ना, कुछ दिए हैं कुछ फायदा हुआ है, थोड़ा बहुत होया है लेकिन इतना नहीं होया है जो सरकार की मंशा में इतना खोट है, कहती कुछ है करती कुछ, यही तो इस सरकार की नाकामी है। एक चीज़ और देखी जाए मतलब किसानों की तरफ से ये कहा गया मुद्दे सिर्फ 2 MSP की गारंटी, 3 कृषि कानून वापस, लेकिन ये भी बात आम है कि फिर ये छोटी छोटी बातों पर घेराव क्यों करते हैं, थाना का घेराव कर दिया या DC ऑफिस का घेराव कर दिया, फिर घेराव क्यों करा? ये छोटी छोटी बात नहीं है, आज किसान और मजदूर रोडों पर है और भूखा मर रहा है, युवा जो आज पंचायत हुई है ये युवा भूखा मर रहा है, पेपर लीक हो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, क्यों नहीं हो, सेना की भर्ती रद्द हुई, हजारों युवाओं के जो डेट थी, जो डेट थे सेना में तो रूल है डेट, हजारों युवा बेरोजगार हो गए, हजारों युवा निकल गए, ये तो पॉइंट तो हर थाएंगे मान ले, वो तो मेन मुद्दा हमारा 3 काले कानून वापिस देना, MFC पे गांधी, लेकिन साथ साथ युवा भी तो मारे गए, मारे युवा कहाँ जाए देश का और प्रदेश का, युवा कहाँ जाओ है, ये तो यही तो दुख है हमारे पूरे देश में और प्रदेश में। आप खाप प्रधान भी हो, बुजुर्ग भी हो, फौजी भी हो, तो आज जो युवा महापंचायत हुई उन युवाओं को क्या संदेश दोगे लास्ट में? हमने संदेश दिया है, पहले भी संदेश था, 12 भी नहीं हो गए, कि शांतिपूर्वक हम आंदोलन लड़ेंगे, कोई हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, सरकार चाहती हिंसा का रास्ता अपनाए लेकिन हमारा आंदोलन जो देश का किसान मजदूर का चले, कोई हिंसा का हम आंदोलन नहीं चलाए, सरकार पीछे से मारेगी हम, जैसे लखीमपुर खीरी में मारे हम शांतिपूर्वक थे, सरकार के नेताओं के लड़कियों ने मारे, हमारे नौजवान किसान एक पत्रकार मारेगा उसका क्या करें, उसका क्या जवाब, उसका सरकार से पूछो ना अभी उसको क्या जवाब है, कुर्सी में बैठा है त्यारे, कुर्सी में बैठे उनके त्यारे, और उसको फूल माला फिर आई जा रही है, और मुन्नू बोले हैं कि बोलो उसको फूल मारे, फिर गरीब का बच्चा तो जेल जा रहे था,
वो तो उनसे पूछे वो क्यों कर रहे हैं इनका। बॉर्डर को नहीं खोले, बॉर्डर तो एक खोले है, एक तो एम्बुलेंस के लिए जो बीमार आदमी में जावा है, एक जोड़े के मजदूर फैक्ट्री में जावा है, उनके लिए खोला 7 से 8 लाख सिवाय।